अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट आप बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो कोर्स के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या वन ऑन वन जूम सेशंस के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ज्वाइन करते साथ ही डेली बेस पर ऑटो ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देंगे, तो वो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आपका जो कैपिटल है, आपका जो फंड है, वो भी आपके अपने अकाउंट में होगा, किसी अकाउंट मैनेजर के हवाले नहीं करना और किसी कंपनी को अपने पैसे नहीं देने। सारे पैसे भी आपके अपने पास होंगे, फिर भी डेली बेस पर ऑटो ट्रेडिंग के थ्रू आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक अपना यूनिक ट्रेडिंग सिस्टम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि स्मार्ट मनी पर बेस्ड है, यानी कि उसमें हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए मार्केट में ट्रेड करेंगे, जिससे हमारी ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसकी डिटेल्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिलेगी, उसके लिए आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें। और फॉरेक्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों में मिलती रहेंगी, तो लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप सिंपली उन लिंक्स पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर, स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। फोआ का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का ये चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा मूव किया और मार्केट का जो हाई पॉइंट था वो था 1974 के राउंड, और वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन हुई है और मार्केट गिरी है बहुत बुरी तरह नीचे। तो यहाँ से आपने वॉच ये करना है कि मार्केट अगर यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर स्टेबल रहती है यहाँ पर, तो यहाँ से फिर मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है और अपने रेजिस्टेंस लेवल तक ही जाएगी मार्केट। फर्स्ट प्रायोरिटी मार्केट की यही है, उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस रखेगी, अदरवाइज अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है अगेन। लेकिन अगर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को बरकरार नहीं रखती तो मार्केट गिरेगी 200 EMA पर। 200 EMA पर स्टे करती है तो यहाँ से मार्केट अगेन रिजेक्ट होकर ऊपर आ सकती है, अदरवाइज 200 EMA को भी ब्रेकआउट करती है तो मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। कंडीशंस अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, जो जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि कहाँ पर मार्केट क्या मूव कर सकती है। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। तो अब बात करते हैं USD JPY की। USD JPY को देखा जाए तो लास्ट टाइम मार्केट 115.8 के लेवल से रिजेक्ट हुई है और यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन इसने यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट की थी 114.5 के लेवल पे। तो यहाँ से आपने वॉच ये करना है कि मार्केट, मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में मूव कर सकती है, अदरवाइज अगर ये कोई ब्रेकआउट करे तो रेजिस्टेंस लेवल में हमारे पास बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पास ही 116.3 का लेवल है, और अगर यहाँ पर नीचे आती है सपोर्ट लेवल के पास तो यहाँ पर हमें की पॉइंट मिलता है जो कि 200 EMA और सपोर्ट लेवल का है। तो यहाँ पर की पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आ सकती है, तो एट दी एंड वही कि अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में ये मूव कर सकती है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर भी हमारे पास नीचे जो लेवल है वो ये वाला एक मौजूद है 114.5 का लेवल, ये बात की बात है। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं, तो यूरो यूएसडी में यहाँ पर ये एक जोन है 1.1273 से लेकर 1.1298 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को तो इस जोन को ब्रेकआउट करना होगा, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद मार्केट आएगी 200 EMA के पास, और उसके बाद 200 EMA को भी ब्रेकआउट करती है तो फिर रिट्रेस करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, अदरवाइज यहाँ पर एक लेवल जो है वो हमें इरिटेट कर सकता है, वो लेवल है ये वाला 1.1397 का लेवल। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट भी हो सकती है, इन केस अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दे उसके बाद 200 EMA को भी ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ पर आके मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर स्टे करते हुए अगेन यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है। तो इसकी कंडीशन फिलहाल के लिए यही बन रही है, अदरवाइज मुझे अगर लग नहीं रहा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो, अगर इन केस यहाँ से मार्केट रिजेक्ट भी होती है
तो फिर भी मार्केट अपने नीचे, मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल ही है। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं, तो यहाँ पर जीबीपी यूएसडी को देखा जाए तो मार्केट इस टाइम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है। लास्ट टाइम मार्केट काफ़ी नीचे तक गिरी थी, जो कि 1.3276 का लेवल है। तो यहाँ पर आपने वॉच ये करना है कि मार्केट अगर यहीं पर करेक्शन करती रहती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में रहेगी, और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर आती है तो हमारे पास 200 EM में और ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारे पास सेम हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो ये की पॉइंट का काम करेगा, और फिर हम मार्केट को इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पर मूव कर सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट के नीचे जाने के चांस हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन ऐसा ही हो सकता है जैसे मार्केट एक स्पाइक बना के आई है। 1.3360 से लेकर 1.3274 तक मार्केट ने एक बहुत लंबी विक बनाई है, तो यहाँ से अगर अगेन मार्केट नीचे आती है तो फिर एक विक के चांसेस हैं। लेकिन अगर पार्ट्स में नीचे आती है छोटे छोटे कैंडल्स बना के, तो फिर ये है कि मार्केट अपने इस जोन पे हिट कर सकता है जो कि 1.3873 से लेकर 1.3164 तक है। यूएसडी कैनेडियन डॉलर की बात कीजिए तो मार्केट इस टाइम 200 EM में से ऊपर है, इसके ऊपर स्टे कर रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे वीकनेस शो हो रही है। मार्केट 200 EM को ब्रेकआउट करके ट्रेस के प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। नीचे एक लेवल ये है जो कि 1.2561 का, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारे सपोर्ट लेवल तक आ सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने बहुत बार 200 EM को हिट किया है, तो यहाँ पर आके मुझे वीकनेस नज़र आ रही है। अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो उसकी फिर नेक्स्ट जो अपडेट है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों में अपडेट कर दूंगा, और अपनी जो स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड को मद्देनजर रखते हुए आपने इसमें ट्रेड करनी है। आज के जो पेयर्स थे वो बहुत लिमिटेड थे, और सिनेरियोस भी सब में नॉर्मल है, कोई एक्सपेक्ट नहीं है अभी नेक्स्ट कोई बड़ा मूव आ सकता है। छोटे छोटे मूव्स हैं मार्केट में अभी, और लेट्स सी कोई बड़े मूव का मुझे जैसी कंफर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। बाकी आप अपने मेथड को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करें। अगर आप वीकली फोरेक्स फोरकास्ट में कोई पेयर ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक ऑफर ये भी चल रही है कि अगर आप 1-on-1 जूम सेशंस के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट है उस पर। उसकी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसमें स्पेशल सेशंस हैं कि अगर आप काफ़ी अर्सा से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका अकाउंट एट दी एंड लॉस में रहता है, तो आप सभी के लिए वो स्पेशल सेशन होंगे। लेकिन वो सेशन सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं कि जिनकी ये कंडीशन हो कि वो काफ़ी अर्सा से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनका अकाउंट एट दी एंड लॉस में रहता है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे। और फॉरेक्स के हवाले से आपको वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी, और डेली अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप में मिलेंगी। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक वीडियो कोर्स भी है। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, वो अगर आप बिगिनर हैं या प्रोफेशनल हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। डिटेल्स क्या हैं आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी, सिंपली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर।